हम यहाँ पे गुजरात से आए हैं, 24 तारीख को आए थे। आज 4 दिन हो चुके हैं, कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने फरमाया कि छोटा सा एक, सुना है बड़े लोगों से कि जन्नत की वादी में से एक छोटा सा एक टुकड़ा जो कश्मीर कहलाता है, जो यहाँ देखने को मिला है। वाले सभी टूरिस्ट यहाँ नहीं आए तो समझो उसने कुछ नहीं देखा है। सबसे बेहतरीन जगह रहने के लिए, घूमने के लिए अगर हो तो है कश्मीर। कश्मीर की वादियाँ, झील, यहाँ के पहाड़, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। माशा बताइए, अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे टूरिज्म के साथ, घूमने के साथ मालूम पड़ा कि 2 साल से भी यहाँ पे टूरिज़्म बिल्कुल बंद था। यहाँ पे लोगों के लिए रोज़ी रिजक के लिए बहुत ही तकलीफ पड़ी हुई है। अभी माशाल्लाह अभी यहाँ पर इतना अच्छा है कि टूरिज़्म चालू होने से इनकी रोज़ी रिजक में बहुत आसानी हुई, ऐसा लग रहा है। नहीं, मुझे तो यहाँ एक कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई दी, बस लोगों के लिए यही रोज़ी रिजक के लिए बहुत कमी है। भाई यहाँ पे आने वाले टूरिज़्म को यही बताऊंगा कि यहाँ पे जाओ, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए रोजी रोजी का जरिया ये टूरिज़्म ही है और कोई नहीं है। यहाँ टूरिज़्म जो आता है उन्हीं के ऊपर इनकी पूरी सालाना की इनकम, इनका घर परिवार इसी पे ही चलता है। जी, मेरा नाम वकार है, हम अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करते हैं और हम पूरी कश्मीर ट्रिप पर आए हुए हैं। और माशाल्लाह कश्मीर बहुत बेहतर लगा, और यहाँ के ख़ास करके जैसे हम लोग को यहाँ के जो लोग हैं बहुत बेहतर है, मतलब उनका जो नेचर है, उनकी मेहमान नवाजगी है, वो बहुत बेहतर होंगे। किसी ने भी हमको मतलब इस तरह का कुछ ऐसा कुछ, वो हालात के बारे में तो ऐसा है कि हालात तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे होंगे, ऐसा कुछ हमको फील ऐसा हुआ नहीं इतने दिनों से, या कुछ भी ऐसा अनकम्फर्टेबल या अनसिक्योर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ हमें। फैमिली के साथ है, बहुत अच्छा है लगा, माशाल्लाह बेहतर है। तो पहले कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, यहाँ की पुलिस ले लो, मिलिट्री ले लो, लोग ले लो, काफ़ी सारे सब बहुत मतलब आपका बहुत सपोर्ट कर देंगे। अगर आपको किसी ट्रबल में हो, प्रॉब्लम में हो, तो आपको सपोर्ट बहुत अच्छा कर देंगे। ये बहुत बेहतर चीज़ है कश्मीर की।